टेस्टी स्नैक्स बनाने के लिए एक बाउल ले लिए हैं। दो अंडे तोड़ के डालेंगे इसमें। अब इसमें दो हरी मिर्च बारीक काट लेंगे। अब इसमें आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, 1 पिंच चिली फ्लेक्स डाल देंगे और 1 पिंच नमक डाल देंगे। अब इसको एक चम्मच से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का मिक्सर है तो 10 मिनट लगेगी मिक्स करने में। अगर आपके पास हैंड मिक्सर हो तो 5 मिनट में ये मिक्स हो जाएगी, तो मैं हैंड मिक्सर से करूँगी। अब इसको हैंड मिक्सर से मिक्स कर लेंगे। पाँच मिनट हो गए हैं इसके मिक्स कर लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। फ्लेम को चालू कर दिए हैं, लो फ्लेम पे पैन रख दिए हैं गर्म होने के। जो मिक्स किया हुआ बैटर है इस पे डालेंगे। इसको हल्का हाथ से चारों तरफ फैला लेंगे। ध्यान रखें फ्लेम को लो ही रखना है। अब इस पे बारीक चॉप किया हुआ 1 टेबल स्पून प्याज डाल देंगे। 1 चॉप किया हुआ टमाटर बारीक कटी हुई डाल देंगे। ये बहुत ही टेस्टी स्नैक्स बन के तैयार होने वाला है। अगर ये स्नैक्स की रेसिपी आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ ज़रूर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें कि ये रेसिपी आपको कैसा लगा। अब इसको नीचे के साइड से बिल्कुल लो फ्लेम पे, ध्यान रखें बिल्कुल लो फ्लेम पे 3 मिनट तक पका लेंगे। लो फ्लेम पे नीचे के साइड से 3 मिनट हो गया है। अब इसको आसानी से पलट लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अब नीचे के साइड से भी लो फ्लेम पर 3 मिनट तक पका लेंगे। नीचे के साइड से भी 3 मिनट हो गया है। अब फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और स्नैक्स को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए पलट के दिखा रहे हैं कितना टेस्टी बना है। ज़रूर आप बनाइए और खाइए। देखिए कितना टेस्टी स्नैक्स बना के एक प्लेट में निकाल लिए हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप चाहें तो बच्चों को भी बना के दे सकते हैं या बड़ों को भी बना के दे सकते हैं। और स्नैक्स से बहुत ही टेस्टी लगता है और यम्मी लगता है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ ज़रूर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें।